राधे तो ये माया शक्ति भी अनाद्यनंत है और हमारे ऊपर हाबी है यह भी सनातन है तो भगवान और माया ये दो है मैं के अतिरिक्त अब इन दोनों में कोई मैं का मेरा होगा जिसे हमने नहीं जाना अब और इन दोनों में कोई एक ऐसा है जिसका मैं हूं वो भी नहीं जाना मैंने अब चलो वेदों में फिर वो बताएंगे पादोस विश्वाभूता दिवि वेद कहता है कि जितने जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं मेरी शक्ति है मेरी है और किसी की नहीं माया की, अरे वो तो जड़ है उसकी शक्ति तो होने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि जीव चेतन है तो वही से कट गया पॉइंट उसका हम माया के अंश कैसे होंगे माया तो जड़ है उसका अंश तो सब जड़ होगा हम भगवान के अंश हैं। फिर वेद कहता है ये वेद मंत्र में भी है पादोस से विश्वा भूतान त्रिपाद्यामृत दिव्य तीन बारह छे और ये त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी ये मंत्र है चार एक और भागवत तो आप सुनते ही होंगे स्वकृत पुरे स्वमी स्व बहिंतर संवरणम तव पुरुषम बदन चखिल शक्ति धृतोश कृतम दस सत्तासी बीस ये जीव आबाही और अंत यानी तो भगवान का अंश है डायरेक्ट और न तो माया का अंश है डायरेक्ट लेकिन भगवान का एक और है स्वरूप एक और है शक्ति उसका अंश है तो एक और भी है अभी हाँ विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान तृतीया शक्ति दृश्यते विष्णु पुराण छ सात इकसठ वेद व्यास कह रहे हैं एक शक्ति का नाम परा एक का नाम छेत्रग्यो, और एक का नाम माया तो पराशक्ति इसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं लोग माया भी कहते हैं ये पर्सनल पावर है भगवान की ये ऐसी पावर है जो इंपॉसिबल को पॉसिबल करती है असंभव को संभव करती है वो कैसे आपकी एक आंख है हाँ, और कुछ नहीं है नहीं उसी आख से अगर आपके पास स्वरूप शक्ति है भगवत प्राप्ति के बाद भगवान को दे देते हैं तो आप इसी एक आंख से देख सकते हैं सुन सकते हैं सूंघ सकते हैं रस ले सकते हैं स्पर्श कर सकते हैं सोच सकते हैं डिसीजन ले सकते हैं स्वरूप शक्ति के बल से एक इंद्रिय से सब इंद्रियों का विषय ग्रहण कर सकते हैं और आख भी नहीं है तो भी अपारण पादों जवनो ग्रहिता पश्चात Sabi Tibet Yam nacatasi Tibet Ta, kama Hudagriam purukam Mahantam swita caturu penisetin oneis. Kya maksud? Binu pagacalai or sunu? Binu pagacalai. ਸੁਨਾਇ ਬਿਨੂ ਕਾਨਾ ਅਕਰ ਬਿਨੂ ਕਾਰਮ ਕਰੈ ਵਿਧਿ ਨਾਨਾ ਆਨੰਨ ਰਹਿਤ ਸਕਲ ਰਸ ਭੋਗੀ ਓ ਬਿਨੂ ਜੀਵਾ ਬਖਤਾ ਬੜ ਜੋਗੀ ਤਨੂ ਬਿਨੂ ਪਰਸ ਨयन ਬਿਨੂ ਦੇਖਾ ग्रही ग्रान बिनु बास आशे खा आस सब भाति अलौकिक करनी अलौकिक मैंने इंपॉसिबल को पॉसिबल करने वाली असंभव को संभव करने वाली कर्त कर्तु मनता कर तुम समर्था शक्ति स्वरूप शक्ति उसे कहते हैं पराशक्ति और दूसरी शक्ति है क्षेत्र माने जीव शक्ति इसका नाम जीव शक्ति है और तीसरी है माया शक्ति ध्यान दो तो पराशक्ति श्री कृष्ण के अंश जीव नहीं है हम लोग नहीं है क्योंकि मायाधीन है और पराशक्ति युक्त जो जीव होते हैं वहा माया जा नहीं सकती सामने खड़ी नहीं हो सकती जैसे भगवान के सामने नहीं जा सकती माया परमाना दो सात सैतालीस धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम कम सत्यम परम धीमे भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया स्वते जसा नित्य निवृत्तमाया गुण प्रवाह भगवंतमी में ही दस सैतीस तेईस माया वाया वा नहीं जा सकती एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए माया भाग जाए तो बस सदा पश्च सूर तद विष्णु परम पदम सुबालोपनिषद सात ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है चौदह ये गोपाल तापनीयोपनिषद में भी है मंत्र सत्ताईस यानी सदा के लिए माया जाएगी सदा के लिए स्वरूप शक्ति मिलेगी वो पराशक्ति <coughs> तो हम पराशक्ति के अंश होते तो मायाधीन ना होते हर कुछ जीव सदा से वो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश कहलाते हैं वे जीव ऐसी जीव है सदा से है वो परिकर है भगवान के और नंबर दो जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है वो हो भी सदा को स्वरूप शक्ति से पराशक्ति से युक्त हो जाता है लेकिन जो सदा से मायाधीन है और भगवत प्राप्ति नहीं किए है वो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश नहीं है और माया के शक्ति का अंश होने का तो सवाल ही नहीं क्योंकि माया जड़ है तो अब एक बची शक्ति जीव शक्ति तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है ये माया बद्ध जीव सब इसलिए न हम पराशक्ति के अंतर्गत हैं न माया शक्ति के अंतर्गत हैं इसलिए वेद स्तुति में दस सत्तासी बीस में कहा अबहिरंतर असं ये बीच में है इसलिए तटस्थ कहलाता है तट पर है तो क्यों जी एक बात बताइए ये तीनों शक्तियां अलग अलग रहती हैं <coughs> ना कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती एक बटी सौ सेकंड को भी आग का जलाना ये जो धर्म है कर्म है शक्ति है आग से अलग नहीं रह सकती सदा रहेगी उसके साथ हम भगवान की शक्ति है माया भी शक्ति है इसलिए हम दोनों सदा भगवान से संबद्ध रहेंगे अलग नहीं रह सकते और एक बात और वो क्या वेद कहता है प्रधान क्षेत्र पतिर्गुण शाह श्वेता सत्रो वो हमारा गवर्नर है अधीश है स्वामी है और माया का भी स्वामी है मायाधीश जीवाधीश दोनों का स्वामी है भगवान हम दोनों स्वतंत्र नहीं है अरे माया तो जड़ है वो बिचारी क्या स्वतंत्र होगी तो जैसे एक तौलिया है अब ये क्या अलग से कुछ कर पाएगी ये तो खुदे ही कुछ नहीं कर सकती ये तो हमारा हाथ हिला रहा है इसलिए ये हिल रही है सारे ब्रह्मांड को बनाती है नचाती है तो उसके बल पर अपने बल पर तो जीरो बटे सौ है जासु सत्यता जड़ माया। उसकी पावर से जैसे हम तौलिया को हिला रहे हैं हाथ चेतन है वो हिला रहा है और हाथ भी जड़ है मैं चेतन हूं इसलिए हाथ हिला रहा है हिल रहा है और मैं भी कुछ नहीं हूं वो हमको दे रहा है चेतना शक्ति इसलिए हम चेतन हैं चेतना चेतना नाम <coughs> सकारणम करणा दिपा दीपा नौ प्रधान क्षेत्र पत्र छे सोला श्वेता फिर कहता है वेद क्षरात्मा भी सते देव एक क्षर माया आत्मा माने जीव इन दोनों पर शासन करने वाला ओ भगवान श्वेताक्षत्रोपनिषद एक दस <coughs> अक्षरे ब्रह्म परे पनते विद्या विद्ये निहित यत्र गुढ़ मृतं तो विद्या विद्या विद्य ई यस्तु शोन्य हो जीव माया पर शासन करने वाला वो भगवान तो प्रेरक शासक ईश इस शक्तिदाता इसलिए स्वतंत्र नहीं है ये दोनों शक्तियां सदा उसके आधीन है अरे आप लोग रोज तो बोलते हैं प्रार्थना में भगवान सात प्रधान पुरुषे स्वरा प्रधान माने माया पुरुष माने जीव इन दोनों का ईश्वर है भगवान सात पंद्रह सत्ताईस भागवत

जीव और माया और ब्रह्म तीनों यद्यपि सनातन है ध्यान दो कंफ्यूजन लेकिन जीव और भगवान का संबंध चेतन का है भेदा भेद का है दोनों है तटस्थ है ये जीव और भगवान के आधीन है और माया सदा से जीव पर हावी है लेकिन सदा रहेगी ऐसा नहीं है जो जीव भगवान को जान ले वो माया से उत्तीर्ण हो जाता है अब आप यहां तक पहुंच गए हाँ तो वो जीव और ब्रह्म में जो आप कहते हैं भेदा भेद संबंध है वो क्या कैसे है क्योंकि तो हमारे देश में ये बड़ा भ्रम है निरेश सन्यासी घूम रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि वेद में लिखा है मैं ब्रह्म हूं आप भगवान हाँ, एक गाली तो सहन नहीं कर सकते आप किसी एक सन्यासी से कह दे बे मूर्ख हैं क्या कहा लड़ जाएगा एक शब्द नहीं सह सकता एक शब्द और अगर एक झापड़ लगा दो और कहो देखो जी तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म है हाथ भी ब्रह्म है मुंह भी ब्रह्म है मार दिया है सब ब्रह्म ही तो है इसलिए डोंट माइंड तो वो चुप हो जाएगा बेचारा की तो बड़ा वेदांति है अब मैं क्या बोलू सब ब्रह्म है तो सर्वम खल ब्रह्म वो कहते हैं ये संसार भी ब्रह्म है और जीव भी ब्रह्म है हम भी ब्रह्म है ब्रह्म, ब्रह्म। इसलिए इस पर गहराई से विचार करना है कि हमारे वेद हमारे न्याय प्रस्थान और हमारी स्मृति प्रस्थान तीनों की इस विषय में क्या राय है ये फिर बताएंगे बोलिए लाडली, लाल की